नमस्कार, संगीता'स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने ये दही लिया है और इसके अंदर ये वाले स्पून से 2 स्पून बेसन और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको एक बार चला लिया है। तो सबसे पहले हम इसको छौंकेंगे और इसके लिए मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ी सी हींग। हींग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपलेस्ट मेथड आपको बता रही हूँ बनाने का। और डालेंगे ये राई और साबुत मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ता और इसके बाद ये, तो इस तरह से ये मेरी कड़ी को मैंने छोंक दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी पकौड़ी बनाने की विधि। ये मैंने करीब आधा कप इसमें लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक और इसको डालने के बाद ये बहुत ही फाइन इसका पेस्ट बनाएंगे। ये इस तरह से देखिए, बिल्कुल ही फाइन पेस्ट। और पेस्ट बना के एक ही डायरेक्शन में इसको हम घुमाएंगे और ये देखिए। और जब आप ये इस तरह से बनाएं तो एक बार थोड़ा सा ड्रॉप डाल के इसमें देखिए कि क्या आपकी पकौड़ी यहाँ पे ये नीचे बैठ गई। इसका मतलब ये अभी नहीं फिटा है, तो हमको इसको और फिटना पड़ेगा। अब ये इस तरह से हम ये पकौड़ी बना लेंगे। ये देखिए सरफेस पे ये पकौड़ी आ रही है, इसका मतलब हमारा बेसन बिल्कुल सही फिटा हुआ है। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हैं या आप इनो डाल सकते हैं और उससे भी आपकी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनेगी। एक और भी सीक्रेट है कि आप थोड़ा सा शुद्ध घी डाल सकते हैं। शुद्ध घी से हमेशा बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट पकौड़ी बनती है। पर मेरी पकौड़ी वैसे ही सॉफ्ट बन जाती है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को नहीं यूज़ किया है। आप देखिए सारी की सारी सरफेस पे आ गई हैं पकौड़ियाँ। और इस तरह से ये मेरी कढ़ी की पकौड़ी हो जाएगी तैयार। और फिर अपन मिलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब ये देखिए, ये बिल्कुल नरम और बढ़िया पकौड़ियाँ हो गई तैयार। इसको हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करते हैं क्योंकि कढ़ी में वो लाल पकौड़ी अच्छी नहीं लगती। और इसमें मैंने कोई स्टफिंग नहीं करी है, हम लोग बिना स्टफिंग का खाते हैं। अगर आपको कोई प्याज और कोई और चीज़ डाल के पकौड़े बनाने हैं वो आपकी चॉइस है। और इसको इस तरह से हम कर देंगे बंद। और कढ़ी में ये देखिए, कढ़ी में अब उफान आना शुरू हो रहा है। कढ़ी अभी काफ़ी देर पकेगी, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पकौड़ी। अब ये देखिए कढ़ी बनके एकदम बढ़िया तैयार हो गई। और इस पॉइंट पे अब हम इसमें डाल देंगे ये पकौड़ी। और ये डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको प्लेटिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसके लिए रुकेंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसको करूँगी प्लेटिंग। और ये हो गया मेरा कढ़ी तैयार। और थोड़ा सा हम इसके अंदर आखिरी तड़का भी लगा देंगे। तो ये मेरा तड़के का बर्तन है। अब ये बस लास्ट है, ये हमने लगाया तड़का और इसमें डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्च जस्ट टू गिव अ नाइस कलर। ये देखिए, और इसको अब इस तरह से हम डाल देंगे और ये हो गई हमारी लाजवाब कढ़ी तैयार। Thanks for watching the video. Do share and subscribe if you love this video.